Hello everybody, welcome to Vani Academy. I am Palak Agnihotri and as we promised to bring an NCERT course for your UPSC preparation as well as your class studies, so from today we are starting this course. But before starting our course, I would like to surprise you. That surprise is Vani ma'am is starting a foundation course on Indian polity on Unacademy from today onwards, that is 15th June. So download the Unacademy app and use the ma'am's referral code, that is Vani Mehra, to avail 10% discount on your subscription. She will provide you her personal mentorship. She will teach you time management. Special classes will be there for special answer writing sessions and many more. So it will give you an organized preparation for UPSC. Now let us start our course, that is Indus Valley Civilization Part 1. This topic is lengthy, that is why I have divided these two parts, that is Part 1 and Part 2. But before getting a standard idea about this topic, I would like to give some basic ideas by my handwritten notes. तो पहले हम पढ़ते हैं द अर्लीस्ट सिटीज़ के बारे में, जो कि आज से 4700 साल पुरानी थी. दी सिटीज़ वर स्टैब्लिश्ड बिफोर 4700 ईयर्स अगो. सो दिस सिविलाइजेशन इज़ ऑल्सो कॉल्ड हरप्पन सिविलाइजेशन बिकॉज द फर्स्ट सिटी विच वॉज डिस्कवर्ड वॉज हरप्पा. And it is also called Indus Valley Civilization because many of the cities were on the bank of the Indus River. This Harappa city is now in Pakistan after the separation of Pakistan from India. There are many specialities about this civilization, so it is important to study hard for this topic. That is, this city is divided into two parts. At that time, cities were divided into two parts that were western part, which is called citadel, that was the smaller and the higher part, and the eastern part, which was larger and the lower, and it is for the general settlement. जो eastern part था वो बहुत बड़ा था और नीचे वाले स्थान में था, और जो western part था वो बहुत ही smaller था और higher part पे था. Eastern part larger and lower, western part smaller and higher. इसी western part को हम citadel भी बोलते हैं. चलिए बात करते हैं मोहनजोदड़ो के बारे में. मोहनजोदड़ो इज़ द वेल नोन साइट ऑफ दिस सिविलाइजेशन एंड द मोस्ट डिस्टिंक्टिव फीचर अबाउट दिस वाज द ग्रेट बाथ. ये ग्रेट बाथ हम देख सकते हैं, इसमें तीन साइड्स पे तीन रूम थे जिसपे एक रूम में बहुत बड़ा सा वेल था और वो उसके द्वारा इसमें पानी भरा जाता था. यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनस जो होती थी वो नहाती थी आके, और इट वॉज़ यूज फॉर सम रिचुअलिस्टिक पर्पस. एंड नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में यहाँ पे सीढ़ियाँ भी हुआ करती थी. ये आपको सीढ़ियाँ दिख रही होंगी. देयर वर फ्लाइट्स ऑफ स्टेप इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन. एविडेंसेस ऑफ सेक्रीफाइसेस हैव ऑल्सो बीन डिस्कवर्ड बाय द आर्कियोलॉजिस्ट इन द सिटी ऑफ कालीबंगन एंड लोथल. कुछ स्टोर हाउसेस के एविडेंसेस भी मिले जो कि मोहनजोदड़ो, हरप्पा और लोथल में मिले थे. हम देख सकते हैं कि सिटाडेल में मोहनजोदड़ो और हरप्पा के कुछ वेयर हाउसेस और ग्रेनरीज भी पाई गई हैं. कुछ एविडेंसेस क्राफ्ट और पोट्री की भी मिले, जैसे कि उनमें ब्लैक डिज़ाइंस हुआ करती थी. कुछ ऐसे पॉट्स मिले, ऐसे वेयर्स मिले जिसमें ब्लैक कलर से डिज़ाइन की जाती थी, और स्टोन बेट मिले, सील्स मिले, स्पेशल बीड्स मिले, कॉपर टूल्स मिले. द हाउसेज ऑफ दोज सिटीज़ वर planned settlement, that is first the drains were laid out then the houses were constructed. तो मैंने एक चीज़ आपको नहीं बताई क्योंकि ये मैंने बहुत सारी जगह पे देखा है कि कई लोग इस सिविलाइजेशन को ये भी बोलते हैं कि जो ग्रेट बाथ वगैरह मिला हुआ है वो इंडियन जो होते थे वो सुपरस्टिशन पे ज़्यादा बिलीव रखते थे, इसीलिए ये अंधविश्वास के लिए यूज़ किया जाता था. जबकि कई जगह पे ये भी दिया हुआ है कि सैनिटेशन के लिए भी वो ग्रेट बाथ जो मोहनजोदड़ो वाला है उसका यूज़ होता था. तो ब्रिक्स जो होती थी वो वॉल्ड होती थी पूरे सेटलमेंट में, और वो एक इंटरलॉक्ड पैटर्न में होती थी. ब्रिक्स जो यूज़ होती थी कोई भी बिल्डिंग बनाने में वो एक स्टैंडर्डाइज रेशियो में होती थी. आप सोच सकते हैं कि कितना मैथमेटिकली वो कंस्ट्रक्शन था जिसमें एक स्टैंडर्डाइज्ड रेशियो लिया जाता था ब्रिक्स का, उसके बाद कंस्ट्रक्शन किया जाता था. और देयर वर सेपरेट बाथरूम्स इन हाउसेस एंड सम ऑफ द हाउसेस were having wells for the water supply. There were courtyards present in the houses, which does not give the direct view from the main entrance of the houses. Those courtyards were the center of weaving and cooking for the people. The drains and streets of the cities were covered, and the streets were laid in the grid pattern. That is, the street cut the other street in the 90-degree angle. Drains of the houses were connected to the street drains, and they were covered, but for the cleaning purpose there was an introspection hole. The city life of Harappa was very busy. There was a plant construction, people were busy in the craft work and business also, as they went distant land for raw materials and stones such as Oman, Afghanistan, they all went there. Scribes helped in preparing the seals. Men and women used to make different things and artifacts. Terracotta toys have been found, and they used to make different designs from the stones, jewelries. They used to make jewelries also, and the iron was not invented, not discovered till then. So copper and bronze were used to make tools, weapons, ornaments and vessels also, and silver and gold were used to make vessels and jewelries. Seals were usually made rectangle. Cotton was grown at that place, and raw materials were also found, such as Harappan got silver, gold, precious stones from distant land. Tin mixed with copper gives bronze that was found in Iran and Afghanistan. Gold was found from Karnataka, and it was assumed by archaeology. Precious stones were from Gujarat, Iran and Afghanistan. Some people lived in cities while others lived in countryside, who used to rear sheep and goats. They also grew wheat, barley, pulses, peas, rice, sesame, linseed and mustard. Dholavira is the place which is located in Ran of Kutch, and this city is divided into three parts. Lothal was the city which is also situated in Gujarat beside the tributary of Sabarmati. This was the center of making objects out of stones. A dockyard was also found at that place, and here is the picture of the dockyard which was found at Lothal. Now let us come to our main topic, that is theme 1, bricks, beads and bones. It is with the reference to Harappan civilization. So there were distinctive artifacts which were found as an evidence of that civilization, and the most important thing was that seal. There was a Harappan seal in which it was made up of steatite stone. This seal was having some animal motive on that, and there was some signs from a script that remained undeciphered. Means that script was not deciphered. जो script थी इसके बारे में आज तक पता नहीं चला कि वो क्या लिखा हुआ है, क्योंकि some people think that it is the sign language और those are the symbols. ये सिर्फ सिम्बॉलिक थी, ये कोई स्क्रिप्ट नहीं थी. बट इट वॉज रिटन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, विच इज़ सिमिलर टू द खरोष्ठी स्क्रिप्ट विच इज़ रिटन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट डायरेक्शन. सो वी कैन फाइंड दैट हाउसेज, पॉट्स, ऑर्नामेंट, टूल्स एंड सील्स, एंड दीज आर कॉल्ड द आर्कियोलॉजिकल सर्वेज. Now we will read about the terms of that civilization, places where it was and the time. The Indus Valley civilization is also called Harappan civilization, Harappan culture. Archaeologists use the term culture. And what is a culture? A culture is a group of objects distinctive in style that are usually found together within a specific geographical area and period of time. In this case, Harappan culture in the Harappan culture there were distinctive objects include seal, beads, weights, stone blades and even baked bricks. Stone blades भी पाए जाते थे, baked bricks पाई जाती थी, beads, seal सब पाए जाते थे. और ये ऑब्जेक्ट जो होते थे वो अफ़गानिस्तान के कुछ पार्ट में, जम्मू एंड बलूचिस्तान जो प्रेजेंटली पाकिस्तान में है, और गुजरात में पाए जाते थे. तो हमें ये पता चलता है कि कुछ पर्टिकुलर टाइम पे, पर्टिकुलर पेस, कुछ जोग्राफिकल एरिया पे बिलोंग करते थे, और ये सब एविडेंसेस जो मिले उससे हम इस चीज़ को एक कल्चर नाम दे सकते हैं. दैट इज़ वाई दिस इज़ कॉल्ड हरप्पन कल्चर. सो दिस वाज नेम्ड आफ्टर द फर्स्ट सिटी विच वाज डिस्कवर्ड, दैट इज़ हरप्पा, एंड दिस सिविलाइजेशन डेटेड बिटवीन 2600 एंड 1900 BCE, दैट इज़ बिफोर क्राइस्ट. देयर वर earlier and later cultures, often called early Harappans and late Harappans. In same area, there were earlier culture also that was known as early Harappans and the late Harappans also. So the Harappan civilization is almost called the mature Harappan culture to distinguish in it from this culture. मीन्स कि हरप्पन कल्चर को लेट हरप्पन और अर्ली हरप्पन से अलग करने के लिए इन्हें मैच्योर हरप्पन का नाम भी दिया गया. ये हम देख सकते हैं बीड्स, वेट और ब्लेड्स हमको दिख रहे हैं, ये जो बने हुए हैं यहाँ पे. अब हम इस मैप पे देखते हैं, इस मैप में हमको क्या मिल रहा है. ये हम देख रहे हैं पाकिस्तान वाले एरिया पे आज मोहनजोदड़ो है, चान्होदारो है, कोट डिजी है, हरप्पा है. तो ये जो साइट्स हैं, सुतका गेंडोर, ये जो है लोथल है, ये सब क्या हैं? ये सब मैच्योर हरप्पन साइट्स हैं. ये चान्होदारो दिखा है आपको. अभी आगे हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, तो चलते हैं आगे. अब इसकी बिगनिंग कैसे हुई? देयर वर सेवरल आर्कियोलॉजिकल कल्चर्स इन द रीजन प्रायर टू द मैच्योर हरप्पन. बहुत सारे आर्कियोलॉजिकल कल्चर एग्जिस्ट करते थे मैच्योर हरप्पन के पहले. दीज कल्चर्स वर एसोसिएटेड विद द डिस्टिंक्ट पॉटरी, एविडेंसेस ऑफ कल्चर एंड पेस्टोरलिज्म and some craft. Settlement was generally small and there were virtually no large building. ये पॉइंट्स आपको नोट कर लेने हैं अपने मन में, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन आ सकता है जिसमें आपको बोल देगा कि कोई सी स्टेटमेंट बताइए सही है या गलत है. उसमें से आपको ये ढूंढ निकालना है, आपने क्या पढ़ा आप उसके बेस पे ही ढूंढ निकालेंगे कि इसमें क्या चीज़ नहीं थी. बिकॉज क्वेश्चन UPSC ऐसे आज पूछता है कि उस पर्टिकुलर कल्चर में क्या चीज़ प्रेजेंट थी इनमें से, और कुछ ऑप्शन भी रहेंगे. तो अगर एक भी ऑप्शन गलत होगा आपका पूरा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा. इसलिए आपको बहुत ध्यान से पढ़ना होगा इसमें क्या चीज़ दिए गए, क्या चीज़ नहीं फाइंड किए गए. इट अपीयर्स दैट देयर वाज अ ब्रेक बिटवीन. ये पता चलता है कि मैच्योर हरप्पन से पहले भी अर्ली हरप्पन हुआ करते थे, और इन दोनों के बीच में कोई पर्टिकुलर गैप रहा होगा, पर्टिकुलर टाइम का ब्रेक रहा होगा इन दोनों के बीच में. ओके, अब सबसिस्टेंस स्ट्रैटेजीज़ पे ध्यान देते हैं. इफ़ यू लुक एट मैप 1 एंड 2, अभी मैप 1 पे हम चलें, मैप 1 पे हमने देखा, मैप 2 पे भी हम देखेंगे. यू विल नोटिस दैट मैच्योर हरप्पन कल्चर डेवलप्ड इन सम ऑफ द एरियाज ऑक्यूपाइड बाय अर्लियर हरप्पन कल्चर. मीन्स जिस पर्टिकुलर एरिया पे पहले अर्ली हरप्पन रहते थे उस एरिया पे भी मैच्योर हरप्पन कल्चर डेवलप हुआ, उस पर्टिकुलर एरिया पे भी. तो यहाँ पे कुछ कॉमन एलिमेंट्स दिखे, जैसे कि जिस प्लेस पे मैं रह रही हूँ उस प्लेस पे अगर आज के बाद कोई बहुत साल बाद रहने आएगा तो हम लोग के कल्चर में कुछ कॉमन एलिमेंट्स रहेंगे. जैसे कि मेरे पर्टिकुलर एरिया में कोई पर्टिकुलर क्रॉप ग्रो होता है तो वो आज से 100 साल बाद भी इस पर्टिकुलर एरिया में यही क्रॉप ग्रो होगा. जैसे हम साउथ इंडिया में चले जाएँ तो वहाँ पे हमको नारियल मिलेगा, लेकिन वही नारियल हमको जम्मू कश्मीर में नहीं मिलेगा. तो पर्टिकुलर एरिया पे भी डिपेंड करता है कि जो भी एक कल्चर वहाँ एग्जिस्ट करते हैं उनमें कोई ना कोई कॉमन एलिमेंट्स होती हैं. इसी तरह अर्ली हरप्पन्स और लेट हरप्पन, ये मैच्योर हरप्पन्स में भी कॉमन एलिमेंट्स हुआ करते थे. हरप्पन्स बहुत वाइड वेराइटी ऑफ प्लांट्स और एनिमल प्रोडक्ट्स भी लेते थे, मतलब खाते थे, और फिश भी खाया करते थे. तो इन्हीं सब चीज़ों से आर्कियोलॉजिस्ट ये कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं कि उनका डाइटरी प्रैक्टिस क्या रहा होगा, क्योंकि वहाँ पे कुछ एविडेंसेस मिले हुए हैं ग्रेन्स के. इससे ये वो पता लगा सकते हैं कि वो क्या ग्रो करते थे, वहाँ पे क्या हुआ करता था, क्या नहीं हुआ करता था. ग्रेन्स कुछ फाउंड किए गए हरप्पन साइट्स में. दैट ग्रेन्स इंक्लूड्स वीट, बार्ले, लैंटन, चिकपी एंड सीसम. मिलेट्स वर फाउंड फ्रॉम द साइट्स ऑफ इन गुजरात एंड राइस वॉज रेयरली रिलेटिव, मतलब राइस जो है बहुत रेयरली पाया गया. द फाइंड्स ऑफ राइस आर रिलेटिवली रेयर. एनिमल बोन्स वर फाउंड इन हरप्पन साइट्स इंक्लूड दोज ऑफ कैटल, शीप, गोट, बफेलो एंड पिग. स्टडीज डन बाय आर्कियोजूलॉजिस्ट, जो आर्कियोजूलॉजिस्ट होते हैं, यानी कि जो ऐसे ऐसे आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं जो एनिमल्स पे से रिसर्च करते हैं या एनिमल्स के एविडेंसेस को ढूंढते हैं. उन्होंने ये बताया कि कुछ ऐसे एविडेंसेस मिले, जैसे बोन्स मिली होंगी कुछ जानवरों की, तो उससे ये पता चलता है कि शीप, गोट, बफेलो, पिग, इन सब का मतलब डोमेस्टिकेशन होता रहा होगा. और कुछ वाइल्ड एनिमल्स के बोन्स भी मिले, जैसे कि बोर, डियर, घड़ियाल, ये सब भी फाइंड किए गए. तो इससे ये तो पता नहीं चल रहा कि हरप्पन्स खुद इन्हें हंट करते थे या दे ऑब्टेन मीट फ्रॉम अदर हंटिंग कम्युनिटीज़. एंड बोन्स ऑफ फिश एंड फाउल वर फाउंड एट दैट प्लेस. सो यू हैव टू रिमेंबर ऑल दीज पॉइंट्स कि क्या क्या फाइंड हुआ, क्या क्या किस एविडेंस से पता चलता है. ये हमको कुछ साइट्स देखने को मिल रही हैं मैप 2 में. देखिए अब उनकी एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजीज़ के बारे में हम पढ़ते हैं. तो एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजीज़ कैसी हुआ करती थी? अगर हम वहाँ पे ग्रेन्स मिल रहे हैं तो हम ये पता लगा सकते हैं कि वहाँ पे एग्रीकल्चर हुआ रहा होगा। लेकिन हमको ये कंस्ट्रक्ट करना कि वहाँ की एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस क्या होती थी, ये मुश्किल है, क्योंकि ग्रेन्स का तो हमें पता लग गया कुछ एविडेंसेस से, लेकिन एग्रीकल्चर प्रैक्टिस का हम पता नहीं लगा सकते इस चीज़, तो ये अभी क्लियर नहीं है किसी के लिए। तो जैसा कि हम देखते हैं कि जो हमको रिप्रेजेंटेशन मिलता है सील्स में, टेराकोटा के जो स्कल्पचर्स होते हैं उनसे और इन सब चीज़ों से बुल का, तो ये पता चलता है कि जो ऑक्स या बुल रहे होंगे उस समय पे नॉन रहे होंगे, या इन्हें यूज़ किया जाता रहा होगा प्लॉगिंग के लिए, प्लोइंग के लिए, यानी खेत जोतने के लिए हो सकता है बुल्स का यूज़ किया जाता रहा हो। तो टेराकोटा मॉडल ऑफ प्लो वर हैव बीन फाउंड एट द साइट ऑफ चोलिस्तान एंड एट बनावली हरियाणा। मीन्स हरियाणा पे जो बनावली नाम की जगह थी और चोलिस्तान जो पाकिस्तान में है, तो यहाँ पे कुछ प्लो के मॉडल्स ही फाइंड किए गए टेराकोटा के, जिससे हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं, हो सकता है कि प्लोइंग वहाँ पे होती रही हो। और एक प्लॉग व्हील भी फाउंड किया गया कालीबंगन राजस्थान में, जो कि एसोसिएट होता था अर्ली हरप्पन लेवल के टाइम पे। ओके, मीन्स ऐसा लगता था जैसे वो अर्ली हरप्पन के समय पर हुआ रहा होगा। अब हम आते हैं कि the field had two set of furrows at right angle to each other, suggesting that two different crops were grown together. Two different crops भी आज साथ में ग्रो किया करते थे वो लोग, ऐसे कुछ evidences मिले हुए हैं फरोज़ के। Archaeologists have also tried to identify the tools used for harvesting. उनने ये tools को भी try किया आइडेंटिफाई करने का, जो harvesting में यानी कटाई में यूज़ हुआ करती थी। Did Harappans use stone blades set in wood handles or did दे यूज़ मेटल टूल्स? सो देखो, मेटल भी उस समय पे थे और स्टोन ब्लेड्स भी थे, हमने जैसे कि पढ़ा। तो हम कोई पक्का नहीं कहते, लेकिन हो सकता है ये चीज़ें यूज़ हुई रहती हों प्लोइंग के लिए। मोस्ट हरप्पन साइट्स आर लोकेटेड इन सेमी एरिड लैंड वेयर इरीगेशन वॉज प्रोबेबली रिक्वायर्ड फॉर द एग्रीकल्चर। देखो, सेमी एरिड लैंड जो होता है वो मतलब वहाँ पे ड्राई वेदर होता है, बहुत गर्म वेदर होता है, तो वहाँ इरीगेशन जो है बहुत ही ज़्यादा उसकी रिक्वायरमेंट होती है एग्रीकल्चर के लिए। तो ट्रेसेस ऑफ कैनाल्स भी पाए गए कुछ साइट्स में, हरप्पन साइट्स में, जो कि शोर्तुगाई की साइट थी, वहाँ पर कुछ कैनाल्स के ट्रेसेस पाए गए, जो कि प्रेजेंट डे अफगानिस्तान में है। और ऐसा कुछ मिला नहीं पंजाब और सिंध से, तो ये पॉसिबल हो सकता है कि एंशंट में कैनाल्स हुई रही हों एंशंट टाइम पे। या वाटर जो होता था वो वेल से भी ड्रॉन होता था इरिगेशन के लिए, क्योंकि वेल्स तो प्रेजेंट थे उस समय पे। इसके अलावा वाटर रिजर्वॉयर्स भी फाउंड किए गए, जो कि धोलावीरा गुजरात में पाए गए, और इनमें भी पानी स्टोर किया जाता रहा होगा एग्रीकल्चर के लिए। ये हमको धोलावीरा वाला रिजर्वॉयर देखने को मिल रहा है, राइट साइड पर स्क्रीन के आप देख सकते हैं, और लेफ़्ट साइड पर ये कॉपर टूल्स आपको दिख रहे होंगे। मोहनजोदड़ो की बात करते हैं, ये एक प्लान्ड अर्बन सेंटर था। परहैप्स द मोस्ट यूनिक फीचर अबाउट हरप्पन सिविलाइजेशन वॉज द डेवलपमेंट ऑफ अर्बन सेंटर्स। सबसे यूनिक फीचर जो हरप्पन सिविलाइजेशन का था वो इनके अर्बन सेंटर्स पे था। और जो मोहनजोदड़ो था वो भी बहुत बड़ा अर्बन सेंटर था, बहुत ही वेल नोन साइट थी, पूरे हरप्पन कल्चर की सबसे वेल नोन साइट मोहनजोदड़ो थी। इस पर एक मूवी भी बनी हुई है, जो हम ये नहीं कह सकते कि पूरी बिल्कुल ट्रू एविडेंसेस से बनी है, मगर हाँ आप रिलेट कर सकते हैं कुछ पॉइंट्स। ये फर्स्ट साइट थी हरप्पा, जिसके नाम पे हरप्पन सिविलाइजेशन रखा गया, मगर जो वेल नोन साइट थी वो थी मोहनजोदड़ो। इसे 2 सेक्शन में डिवाइड किया गया, एक स्मॉलर था और हायर था, और एक लार्जर था बट लोअर था। जो लार्जर और लोअर था उसे लोअर टाउन कहते थे, और जो स्मॉलर और हायर था उसे सीटाडेल कहते थे। जो सीटाडेल था वो वेस्टर्न पार्ट पर लोकेट करता था, और जो लोअर टाउन था वो ईस्टर्न पार्ट पर लोकेट करता था। तो ईस्टर्न पार्ट, लोअर टाउन और लार्जर पार्ट, सीटाडेल, स्मॉलर टाउन और स्मॉलर पार्ट और हायर पार्ट। Archaeologists designate these as a citadel and lower town respectively. The citadel owes its height to the fact that buildings were constructed on mud bricks platform. अब प्लेटफॉर्म बनाया जाता था मड ब्रिक्स का, उसके ऊपर सीटाडेल को लोकेट किया जाता था। इट वॉज वॉल्ड विथ मीन दैट इट वॉज फिजिकली सेपरेटेड फ्रॉम द लोअर टाउन। इसे लोअर टाउन से फिजिकली सेपरेट करने के लिए इसे वॉल्ड किया जाता था चारों तरफ से। द लोअर टाउन वॉज ऑल्सो वॉल्ड, लोअर टाउन को भी वॉल्ड किया जाता था। और सेवरल बिल्डिंग्स जो हैं वो फाइंड की गई प्लेटफॉर्म में, विच सर्व्ड एज अ फाउंडेशन फॉर दैम। ओके, इट वॉज बीन कैलकुलेटेड दैट इफ वन लेबर मूव्ड रफली अ क्यूबिक मीटर ऑफ अर्थ डेली जस्ट टू पुट द फाउंडेशंस इन प्लेस, इट वुड हैव रिक्वायर्ड 4 million person days. इन अदर वर्ड्स, मोबाइलाइजिंग लेबर ऑन अ वेरी लार्ज स्केल। कंसिडरिंग समथिंग एल्स, वंस द प्लेटफॉर्म वॉज इन प्लेस all buildings activity within the city was restricted. जैसे ही प्लेटफॉर्म अपनी प्लेस पे बन जाता वैसे ही जो बिल्डिंग्स की एक्टिविटी थी सिटी के अंदर वो उनमें कुछ रेस्ट्रिक्शन आ जाते थे फिक्स्ड एरिया में प्लेटफॉर्म के। सो इट सीम्ड दैट द सेटलमेंट वॉज फर्स्ट प्लान्ड एंड देन इम्प्लीमेंटेड अकॉर्डिंग। तो इन सब प्लानिंग से जो ड्रेन्स की प्लानिंग है, प्लेटफॉर्म की प्लानिंग है और कुछ रेस्ट्रिक्शंस की प्लानिंग है, इससे ये पता हम लगा सकते हैं कि वो जो सिविलाइजेशन था उसमें पहले सेटलमेंट जो होती थी वो प्लान्ड होती थी, उसके बाद लोग वहाँ सेटल होते थे। अदर साइंस ऑफ प्लानिंग इंक्लूड ब्रिक्स, कुछ साइन ये भी इंक्लूड किए गए इसमें ब्रिक्स पाई गई विथ वेदर सन ड्राइड और बेक्ड, दो तरह की थी जो सन ड्राइड भी होती थी और बेक्ड भी होती थी। वर ऑफ स्टैंडर्डाइज्ड रेशियो वेयर द लेंथ एंड द ब्रेथ वर 4 times एंड ट्वाइस द हाइट रिस्पेक्टिवली। ये देखिए कितना अच्छा मैथमेटिक्स लगाया हुआ है, ऐसे सिविलाइजेशन किया उन लोगों ने कि वो एक बहुत ही लॉजिकली फिट हुआ करता था और एक स्टैंडर्डाइज्ड रेशियो में ब्रिक्स का यूज़ हुआ करता था। ऐसी ब्रिक्स यूज़ होती थी हरप्पन सेटलमेंट्स में। अब हम बात करते हैं लेइंग आउट ड्रेन्स की बात करते हैं। तो ड्रेन्स बहुत ही डिस्टिंक्टिव, बहुत ही विशेष प्रकार का फीचर है हरप्पन सिविलाइजेशन का, और ये दिस ड्रेनेज सिस्टम वॉज केयरफुली प्लान्ड एंड if you look at the plan of the lower town you will notice that roads and street were laid out along an approximate grid pattern। मैंने जैसा बताया था grid pattern पे होती थी street और roads, जो कि 90 डिग्री के एंगल पे एक दूसरे को काट करती थी, इंटरसेक्ट करती थी। और ये जो स्ट्रीट ड्रेन्स थी ये मतलब हाउसेस से कनेक्ट करती थी, हाउसेस की ड्रेन को कनेक्ट करती थी स्ट्रीट की बड़ी वाली ड्रेन से। अब डोमेस्टिक आर्किटेक्चर की बात करें तो लोअर टाउन में रेसिडेंशियल बिल्डिंग हुआ करती थी मोहनजोदड़ो में। सो मैनी सेंटर्ड ऑन द कोर्टयार्ड प्रेजेंट विथ रूम्स ऑल साइड्स एंड द कोर्टयार्ड वॉज प्रोबेबली द सेंटर ऑफ एक्टिविटीज सच एज कुकिंग एंड वीविंग पर्टिकुलरली ड्यूरिंग द हॉट एंड ड्राई वेदर। वॉट इज़ ऑल्सो इंटरेस्टिंग, जो इंटरेस्टिंग फैक्ट है इस बात का वो कि पीपल वर वेरी कंसर्न फॉर देयर प्राइवेसी एज देयर वॉज नो विंडो इन द वॉल अलॉन्ग द ग्राउंड लेवल। बिसाइड्स इसके अलावा जो मेन एंट्रेंस था वो डायरेक्ट व्यू नहीं देता था अंदर घर के और कोर्टयार्ड पे। एवरी हाउस हैड इट्स ओन बाथरूम पेड विद द ब्रिक्स विद ड्रेन्स कनेक्टेड थ्रू द वॉल्स टू द स्ट्रीट ड्रेन्स। सम हाउसेज हैव रिमेन्स ऑफ स्टेयरकेस, कुछ हाउसेज में सीढ़ियाँ मिली जिससे पता चला कि हो सकता था हाउस सेकेंड स्टोरी भी बिल्ड होती थी हाउस के ऊपर। और कुछ हाउसेज वेल्स भी मिले जो कि रूम के अंदर हुआ करते थे, जो कि आउटसाइडर भी उनको रीच कर सकते थे उन वेल्स को अगर वो पास हो रहे हैं उस जगह से या पानी पीना है कुछ भी काम है, ठीक है। और मोहनजोदड़ो में लगभग स्कॉलर्स ने एस्टिमेट किया कि 700 वेल पाए गए। ये देख सकते हैं आप कोर्टयार्ड और ये पूरे घर का व्यू है। अब हम सिटाडेल की बात करते हैं। तो इट इज़ ऑन द सिटाडेल दैट वी फाइंड एविडेंस ऑफ स्ट्रक्चर दैट वर प्रोबेबली यूज्ड फॉर द स्पेशल पब्लिक पर्पजेज। दिस इंक्लूड द वेयर हाउस, वेयर हाउस भी सिटाडेल में हुआ करता था, मैसिव स्ट्रक्चर हुआ करता था वो वेयर हाउस विच द लोअर ब्रिक्स पोर्शन रिमेंड, जिसका आज सिर्फ लोअर ब्रिक पोर्शन रिमेंड है और जो उसके ऊपर वाला वुड है वुड पोर्शन रहा होगा उसके ऊपर वो डिके हो चुका है समय के साथ। अब ग्रेट बाथ की बात करें तो ग्रेट बाथ वॉज अ लार्ज रेक्टेंगुलर टैंक इन द कोर्ट यार्ड सराउंडेड बाई अ कॉरिडोर ऑन ऑल 4 sides। देयर वर 2 flights ऑफ स्टेप, जितने मैंने बताया सीढ़ियाँ थी वहाँ नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में टैंक के अंदर जाने के लिए, जो कि वाटर टाइट बनाता था टैंक विच वॉज मेड वाटर टाइट बाय सेटिंग ब्रिक्स ऑन एज। ब्रिक्स को एज पे सेट करते थे ताकि ये वाटर टाइट बना रहे, वाटर इससे फ्लो ना हो सके बाहर। और इसमें क्या यूज़ किया जाता था, मोटर ऑफ जिप्सम यूज़ किया जाता था। देयर वर रूम्स ऑन 3 sides, 3 sides पे रूम थे जिसमें एक बहुत बड़ा रूम था जहाँ पे एक बहुत बड़ा वेल था, कुआँ था और वाटर वहीं से उसी वेल से फ्लो होकर टैंक में आता था। सॉरी, वाटर फ्रॉम द टैंक फ्लोड इनटू द ह्यूज ड्रेन, जो टैंक का वाटर था वो बड़ी वाली नाली में फ़्लो होता था जाके। अक्रॉस अ लेन टू द नॉर्थ ले अ स्मॉलर बिल्डिंग विथ 8 bathroom, 4 on each side of a corridor with drains from each bathroom connecting to the drain that ran along the corridor. The uniqueness of the structure as well as the context in which it was found, the citadel with several distinctive buildings has led scholars to suggest it was meant for some kind of special ritual bath. कई जगह scholars ये भी कहते हैं कि जो ग्रेट बाथ हुआ करता था उसे कुछ रिचुअलिस्टिक बात के लिए भी यूज़ किया जाता रहा होगा। अब हम ट्रैक करते हैं कि वहाँ पे सोशल डिफरेंसेस होते थे कि नहीं होते थे उन लोगों के बीच में। तो आर्कियोलॉजिस्ट जनरली यूज सर्टेन स्ट्रेटजीज टू फाइंड आउट वेदर देयर वाज सोशल एंड इकोनॉमिक difference or not. So they give some evidences such as they while studying the burials they noticed that there was some difference. The dead were laid generally in the pits and sometimes there was some difference in the way of the burial pit was made. In some instance the hollowed out space were lined with bricks. And could these variation be an indication for social differences? क्या ये जो वेरिएशंस दिखते हैं हमको ब्यूरियल पिट में, मतलब उनके जो ब्यूरियल पिट खोदने के तरीके होते थे और कई डेड बॉडीज़ के अलग अलग तरीके से पाए गए, तो कुछ फीचर्स डिफरेंसेस होते थे उसमें, मतलब फीचरिस्टिक डिफरेंस होते थे ब्यूरियल पिट्स में। तो क्या इससे ये पता चल सकता है कि वहाँ पे सोशल डिफरेंसेस होते थे कि नहीं होते थे? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे आपको क्या लगता है। सम ग्रेव्स कंटेन्स पोट्रीज एंड ऑर्नामेंट्स परहैप्स इंडिकेटिंग द बिलीफ। कुछ ग्रेव्स में पोट्रीज और ऑर्नामेंट्स होते थे, ये उनका विश्वास था उसके प्रति कि हो सकता है ये चीज़ें उन्हें आफ्टर लाइफ में काम आए, जो मर गए हैं, जो ख़त्म हो गए हैं, उन्हें आफ्टर लाइफ में ये चीज़ें काम आए। ज्वेलरी कुछ बुरियल से फाइंड हुई जो कि बोथ मैन एंड वुमेन यूज़ करते थे। उस समय मैन एंड वुमेन बोथ ज्वेलरी का यूज़ किया करते थे। इनफैक्ट एक्सकेवेशन एट द सिमेट्री इन हरप्पा इन द मिड 1980s, an ornament consisting of 3 shell rings, a jasper, a kind of semi-precious stone, beads, and 100 of microbeads was found near the skull of a male. In some instances, the dead were buried with copper mirror. कुछ इंस्टेंस में कॉपर मिरर के साथ भी डेड को बरी किया जाता था। जैसे इस चैप्टर की लास्ट पेज में हम देखेंगे अभी नेक्स्ट पार्ट में कि कैसे एक फीमेल का जो डेड बॉडी पड़ा हुआ है उसके ऊपर ये जो कॉपर मिरर है आपके राइट साइड पे स्क्रीन के, वो उसके ऊपर रखा हुआ है। इट अपीयर्स दैट हरप्पन डिड नॉट बिलीव इन बरिंग प्रीशियस थिंग विद द डेड। ये देखा गया कि जो हरप्पन्स थे वो कोई बहुत प्रीशियस, बहुत ही कीमती चीज़ बरी करना नहीं पर विश्वास नहीं करते थे कि डेड के साथ कोई बहुत ही ज़्यादा प्रीशियस चीज़ आप बरी कर दो, उस पर भी भरोसा नहीं करते थे। अब लग्जरीज़ की बात करते हैं। तो अनदर स्ट्रैटेजी टू आइडेंटिफाई सोशल डिफरेंसेस, दूसरी स्ट्रैटेजी जिससे हम पता कर सकते हैं कि सोशल डिफरेंसेस होते थे कि नहीं होते थे, ये लग्जरीज से पता कर सकते हैं। तो द फर्स्ट कैटेगरीज इंक्लूड ऑब्जेक्ट ऑफ डेली यूज़ मेड फेयरली ईजिली आउट ऑफ ऑर्डिनरी मटीरियल सच एज स्टोन एंड क्ले। जो ऑर्डिनरी मटीरियल होते थे वो स्टोन एंड क्ले से बनते थे। दीज इंक्लूड स्क्वाड, पोएट्री, नीडल्स, फ्लैश रबर्स, बॉडी स्क्रबर्स एक्सेट्रा and are usually found distributed throughout settlement. आर्कियोलॉजी मतलब ये पूरे सेटलमेंट में थ्रूआउट जो है थरोली मतलब अच्छे से डिस्ट्रीब्यूटेड होते थे क्योंकि ये कॉमन चीज़ें होती थी जो स्टोन और क्ले से बनती थी। आर्कियोलॉजिस्ट ने ये भी अज्यूम किया कि ऑब्जेक्ट्स वर लग्जरी, अगर ऑब्जेक्ट तब लग्जरी होते हैं अगर वो बहुत ही रेयर होते हैं और कोई कॉस्टली मटेरियल से बने होते हैं, वो ऐसा मटेरियल जो कि लोकली अवेलेबल नहीं होता और बहुत कॉम्प्लिकेटेड टेक्नोलॉजी से बनता है, वैसे ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो लग्जरियस ऑब्जेक्ट कहलाते हैं। क्योंकि आप देखेंगे जो बहुत लग्जरी आइटम्स होते हैं वो छोटे शहरों में आज भी अवेलेबल नहीं होते, और जो बहुत ही बड़े बड़े शहर होते हैं, बड़े बड़े सेटलमेंट्स होते हैं, वहाँ पे बहुत सारे लग्जरियस आइटम मिलते हैं जो कि आज छोटे शहरों में या गाँव वगैरह में अवेलेबल नहीं होते क्योंकि वो नॉन लोकल मटीरियल से बनते हैं और उनको बनाने की प्रोसेस बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती है। तो 10 लिटिल पॉट्स ऑफ फाइन्स, अ मेटल, a material made of ground sand or silica mixed with color and a gum and then fired were probably considered precious because they were difficult to make. जो ये पॉट है आपको दिख रहा है ये कोई बड़ी सेटलमेंट में ही फाइंड किया गया होगा क्योंकि इसे एज अ परफ्यूम बॉटल भी यूज़ किया जाता था। जैसा कि हम आगे पढ़ेंगे कि जो ये पॉट दिख रहा है, इफ़ वी स्टडी द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सच आर्टिफैक्ट वी फाइंड दैट ऑब्जेक्ट मेड अप ऑफ वैल्यूबल, जो भी ऑब्जेक्ट है वो वैल्यूबल मटेरियल का अगर बना है तो वो लार्ज सेटलमेंट में मिलता है जैसे कि मोहनजोदड़ो हड़प्पा में। ठीक है, जैसे कि हम ये पॉट देख रहे हैं, अभी हमने देखा था जैसे कुछ पॉट्स होते हैं, जैसे कि ये पॉट दिख रहा है बगल में फाइंस का बना हुआ है, ये परफ्यूम बॉटल के रूप में इस्तेमाल किया जाता रहा होगा मोहनजोदड़ो और हड़प्पा सिटीज़ में। ये स्मॉल सेटलमेंट जैसे कि कालीबंगन वगैरह में नहीं मिलता था। गोल्ड भी बहुत रेयर था जैसे कि एंड एट प्रेजेंट प्रोबेबली प्रीशियस, ऑल द गोल्ड ज्वेलरीज फाउंड एट हड़प्पा साइट्स वर रिकवर्ड फ्रॉम होवार्ड्स। अब ये आज का लास्ट टॉपिक है हमारा, क्योंकि ये चैप्टर बहुत लेंथी है और एक साथ सारी चीज़ें बताना इम्पॉसिबल है क्योंकि आपको एक एक पॉइंट पे फोकस करना है क्योंकि इससे मेंस के आंसर्स भी आते हैं और प्री के आंसर्स भी आते हैं। तो लोकेट चान्हू-दारो और मैप 1। इट इज़ अ टाइनी सेटलमेंट लेस देन 7 हेक्टेयर एज़ कम्पेयर टू मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो जहाँ की 125 हेक्टेयर पर था, तो वहीं दूसरी जगह जो चान्हू-दारो बहुत छोटा सेटलमेंट है वो 7 हेक्टेयर की ज़मीन पर बना हुआ था। तो ये बहुत ही अच्छा क्राफ्ट प्रोडक्शन का सेंटर था चान्हुदारो, और इसमें क्या होता था, बीड मेकिंग का प्रोसेस चलता था, शेल कटिंग का, मेटल वर्क चलता था, सील मेकिंग चलती थी, वेट मेकिंग चलती थी यहाँ पे। मतलब ये क्राफ्ट प्रोडक्शन हुआ करते थे चान्हुदारो नाम की जगह पे। तो द वैरायटी ऑफ मटेरियल यूज टू मेक बीड्स इज़ रिमार्केबल। जो मटेरियल यूज़ होते थे बीड्स बनाने में बहुत रिमार्केबल थे, जैसे कि स्टोन जो कार्नेलियन है बहुत ब्यूटीफुल स्टोन होता था वो, जैस्पर, क्रिस्टल, क्वार्ट्स, स्टिएटाइट, मेटल्स लाइक कॉपर, ब्रोंज, गोल्ड, शेल्स, फाइन्स एंड टेराकोटा या बर्न क्ले जिसको कहते हैं, वो भी यूज़ होता था। जो कॉमन बीड्स होते थे वो दो या दो से अधिक स्टोन से मिलके भी बनते थे, उनको आपस में सीमेंटेड किया जाता था चिपकाने के लिए, और अलग अलग तरह के उनको शेप दिए जाते थे ऑर्नामेंट्स को, ज्वेलरीज को, जैसे कि डिस्क शेप दिया गया, ये सिलेंड्रिकल शेप दिया गया, स्फेरिकल, बैरल शेप, सेगमेंटेड, ये दिया गया, ठीक है। इनको डेकोरेट किया जाता था पेंटिंग से। अब टेक्निक्स जो होती थी बीड मेकिंग की वो डिफ़र करती थी मटीरियल के अकॉर्डिंग। जो बहुत ही सॉफ्ट मटीरियल होगा जैसे स्टिएटाइट वो आसानी से मोल्ड हो जाएगा, लेकिन जो हार्ड होगा वो बहुत देर में बनेगा या उसमें बहुत अलग प्रोसेस चाहिए पड़ेगी बनाने के लिए। सो some beads were molded out of paste made with steatite powder. These permitted making a variety of shape unlike the geometrical form made out of harder stones. How the steatite microbeads was made remains a puzzle for archaeologists studying ancient technologies. Archaeologist experiments have revealed that red color of carnelian was obtained by firing the yellowish raw material and beads एट वेरियस स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन। प्रोडक्शन कई स्टेजेस में किया जाता था, कई फायर करके कार्नेलियन ऑब्टेन किया जाता था ये येलोइश रॉ मटेरियल को, फिर उनको फ्लेक्स में डिवाइड किया जाता था, ग्राइंडिंग होती थी, पॉलिशिंग होती थी, ड्रिलिंग होती थी, फिर उसके बाद जाके वो प्रोडक्ट कंप्लीट होता था। पूरी मैन्युफैक्चरिंग के बाद वो प्रोडक्ट जो है वो कंप्लीट होता था। स्पेशलाइज्ड ड्रिल भी फाउंड की गई, कहाँ पे, चनुदारो, लोथल जैसी जगह पे, और रिसेंटली धोरावीरा पे। तो हम लोकेट करते हैं अगर मैप पे नागेश्वर और बालाकोट नाम की जगह, तो ये जो दो एरिया है नागेश्वर और बालाकोट ये कोस्ट के पास हुआ करती थी, और ये एक स्पेशलाइज्ड सेंटर हुआ करते थे शेल मेकिंग शेल के लिए, शेल के ऑब्जेक्ट जो बनते थे उनके लिए, इंक्लूडिंग बैंगल, लेडल्स, इनले एंड ये जो बन जाते थे जब, तो इनको अदर सेटलमेंट्स में ले जाया जाता था। जैसे कि जो फिनिश्ड गुड्स होते थे चान्हुदारो से, लोथल से, वो कहाँ ले जाए जाते थे, अर्बन सेंटर्स में बेचने के लिए या ट्रेड करने के लिए, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा में बनने के बाद। अब लास्ट में हम ये पॉइंट करते हैं कि जो ऐसे चीज़ें हैं उनके एविडेंस कैसे मिले, यानी कि कैसे हम पता लगा सके कि जो पर्टिकुलर वो एरिया है, वो सेंटर है, वो प्रोडक्शन के लिए है, क्योंकि हम जहाँ पे कोई चीज़ हुई रहती है उसका कोई ना कहीं एविडेंस पाया जाता है। इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई सेंटर्स ऑफ क्राफ्ट प्रोडक्शन आर्कियोलॉजिस्ट यूजुअली लुक फॉर द फॉलोइंग रॉ मटेरियल सच एज स्टोन, नोड्यूल्स, होल, शेल्स, कॉपर्स और टूल्स, अनफिनिश्ड ऑब्जेक्ट, रिजेक्ट एंड वेस्ट मटेरियल। इनफैक्ट वेस्ट इज़ वन ऑफ द बेस्ट इंडिकेटर ऑफ द क्राफ्ट वर्क। जहाँ पे भी वेस्ट होगा वहाँ हम ये पता लगा सकते हैं कि वहाँ पे कोई ना कोई क्राफ्ट वर्क हुआ होगा, ठीक है। कहीं पे हम कोई पीसेस पाएंगे तो वहाँ पे हमको पता चल जाएगा कि वहाँ पे वो चीज़ का मैन्युफैक्चरिंग हुई रही होगी। तो ऐसे सेंटर्स का पता लगाया गया। आप ये देख सकते हैं टेराकोटा फिगरीन भी है यहाँ पे, टेराकोटा टॉयज भी दिए हुए हैं। तो आज के लिए ये लास्ट टॉपिक था फिलहाल, अब इसको हम आगे कंटिन्यू करेंगे सेकेंड part and the first part is completed. So you are supposed to give some suggestion if some correction are needed. And if you like this, please like, share and subscribe our channel Vani Academy. We are here to empower, involve and encourage you. So we'll meet you in the second part. Thank you.